आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थानी आगरा पुलिस ने रात के समय मऊ रोड पर घूम रहे संदिग्ध युवकों को रोक कर तलाशी ली तो उनके कब्जे से तीन तमंचे बरामद हुए पुलिस का कहना है कि युवक किसी घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे थे थाना आगरा पुलिस गुरुवार की रात लॉकडाउन होने पर क्षेत्र में गश्त कर रही थी उसी समय खंदारी वन विभाग के गेट पर जा रहे तीन संदिग्ध युवकों को रोककर पूछताछ की लेकिन युवक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तलाशी लेने पर तीनों युवकों के कब्जे से एक एक तमंचा बरामद हुआ तीनों युवकों से तमंचे और कारतूस मिलने पर पुलिस की हवाइया उड़ गयी पकड़े गए कालिंदी विहार एदमातोला के रहने वाले आलोक यादव गैलाना के निमेश चौहान और ककरेठा सिकंदरा के सुनील यादव ने पुलिस को बताया की मऊ में झगड़ा होने आरोप दुश्मनों को सबक सिखाने जा रहे थे इससे पहले ही पुलिस के हत्या चढ़ गए आलोक यादव इंटर का छात्र बताया गया है जबकि निमेश और सुनील कुछ काम नहीं करते पुलिस का कहना है कि आलोक यादव पर चार और निमेश चौहान पर तीन मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए युवक क्षेत्र में झगड़े और फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं पुलिस ने मुकदमा लिख तीनों को कोर्ट में पेश किया है सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट